नमस्कार, मैं रुचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। दीपावली का पावन पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां होती हैं और होनी भी चाहिए। आखिर ये त्योहार बहुत ही अलग मान्यता रखता है, पर इस बार इस त्योहार की छटा कुछ निराली है, क्योंकि इस बार की दिवाली के पहले 500 वर्ष की लंबे संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं और इसलिए पावन नगरी अयोध्या में आज इस बार रिकॉर्ड 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बड़े पर्व पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस दीपावली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहली बार हम सबके आराध्य रामलला के सामने दीपावली मनाई जाएगी, वो अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। जी, दीपावली शुभकामनाएं बोलते हैं। मैं बहुत दिनों बाद, बड़े इंतजार के बाद, 500 सालों के इंतजार के बाद यह दिवाली हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इस दिवाली में पहली दिवाली है जब भगवान श्री राम अपने घर में हैं। इसके पहले हम लोगों ने 500 साल इंतजार किया, तो यह विशेष दीपावली हमारे राज्य के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ है। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, अपने मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों का, रायबरेली वासियों का, देशवासियों को दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशवासियों को भगवान इसी भांति सुख समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखे। मंगल कामनाएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।